हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म का चैप्टर जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब उसका हम डिटेल पढ़ चुके हैं उस चैप्टर को, और आपको उस चैप्टर को रिवाइज करना है दोबारा से। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप उस कंफ्यूजन को मुझसे ज़रूर पूछेंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप मुझे आंसर करेंगे और ग्रुप में कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट में, लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने कोई भी आंसर जो है वो नहीं किया है। इकोलॉजी के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन इकोसिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं, तो एक बार फिर से इकोलॉजी का थोड़ा सा एक आइडिया फिर से आपको देना चाहूँगी, और इकोसिस्टम हम इसमें स्टार्ट करेंगे। फिर इकोसिस्टम हमारा 14th चैप्टर है। इकोलॉजी जो शब्द है, ठीक है, वो लिया गया था एक ग्रीक वर्ड ओइकोस से, और इस ओइकस वर्ड का मीनिंग होता है हाउस, हैबिटेशन और प्लेस ऑफ लिविंग, और लोगोस मतलब होता है स्थली। तो मतलब जहाँ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इस सारी स्टडी को हम क्या क्या कहते हैं, इस सारी स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी का डेफिनेशन ऐसा नहीं है कि आपको पहली बार बता रही हूँ, आपने पहले भी इकोलॉजी का डेफिनेशन जो है वो पढ़ा हुआ है, और ये डेफिनेशंस जो हैं आपको याद रखनी हैं। किसने टर्म इकोलॉजी दी, आई होप ये भी मैंने आपको बताया होगा। नहीं बताया होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम किसने दी है। आप प्लीज़ थोड़े एक्टिव हो जाएं, थोड़ा पार्टिसिपेट करें, जो भी आपको बोला जाता है उसको सुना करिए और बताया करिए फिर कि मैम ये पूछा था, ये इसका आंसर ये है। ऐसे मत रहा करिए कि कुछ बताना ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन क्या हो जाता है इकोलॉजी का। It is the study of interrelationship between living organism and their physical and biological environment. तो इकोलॉजी का डेफिनेशन क्या हो गया, ये एक वो इकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम, लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो उनका फिजिकल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, मतलब लिविंग के साथ रिलेशनशिप पढ़ेंगे, लिविंग का नॉन लिविंग के साथ रिलेशनशिप जो है हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। अब बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में बायोटिक फैक्टर्स आते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट में एबायोटिक फैक्टर्स आते हैं। आप सारे के सारे बायोटिक एबायोटिक फैक्टर से भली भांति परिचित हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं बायोटिक फैक्टर्स, सारे के सारे यहाँ कैसे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये इसीलिए सब क्या हैं, बायोटिक फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहे हैं एबायोटिक फैक्टर, क्या यहाँ आपको इन इमेजेस में कोई भी जो है वो लिविंग दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा है जो आपसे बात करता है, कोई ऐसा है जो जिसका जिसके पास हार्ट है, या ऐसा कुछ भी नहीं। तो हमारे पास ये सनलाइट, ये हवाएं, बारिश, वाटर, सोइल, एवरीथिंग किसके अंडर आ गए, एबायोटिक फैक्टर्स के अंडर आ जाते हैं, ठीक है। अब इकोलॉजी को पढ़ाई क्यों की जाती है, ताकि हम ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन के बीच में और उनकी अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में इंटर रिलेशनशिप को समझ सकें। पढ़ चुके हो आप, मैं दोबारा से आपको एक जस्ट आइडिया दे रही हूँ, फिर आप उसमें सिक्वेंशियल चेंजेस देखते हैं, टेम्पोरल चेंजेस, सीजनल चेंजेस, आपने देखे कि किस तरह से सीजन्स बदलते हैं, हर साल में आपको क्या क्या चेंजेस दिखाई देते हैं, किस तरह से आपको सक्सेशन दिखाई देता है। कभी कभी जो है आप बहुत, अगर आप अपने सामने किसी एरिया को सेलेक्ट करोगे ना, सपोज करो आपने अपने घर के आसपास कोई एरिया देखा कि उसमें कुछ टाइम पहले तो बहुत छोटे 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 पेड़ थे, और जैसे जैसे आप बहुत बड़े होते जाएंगे, कई साल बीत जाएंगे, आप 50-60 साल की उम्र में देखेंगे तो आपको वहाँ बड़े बड़े पेड़ नज़र आएंगे। तो सक्सेशन होता है, फिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अडेप्टेशंस होती हैं, वो आपने पढ़ा। सब ऑर्गेनिज़म्स जो हैं अपने काम के हिसाब से अपनी एडजस्टमेंट करते हैं, जिस तरह से उनको जैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है वो अपने फंक्शंस की एडजस्टमेंट करते हैं, अपने स्ट्रक्चर की एडजस्टमेंट करते हैं। अडेप्टेशन के बारे में भी आपने पढ़ा। नेचुरल कंडीशंस के अंडर बिहेवियर कैसा रहता है वो आपने जाना, और इवोल्यूशन के दौरान डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप हुए, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, एनर्जी फ्लो कैसा है नेचुरल सिस्टम में, वो हम पढ़ेंगे। तो पूरा इकोलॉजी ये सब चीज़ें इंक्लूड करता है, और इकोलॉजी के अंडर ही हम ये सब कुछ पढ़ रहे हैं। अब पूछा जाए कि इकोलॉजी का स्कोप क्या होगा, इकोलॉजी क्या मतलब, आप अपने एनवायरमेंट की स्टडी करके क्या क्या सीख पाएंगे। तो देखिए
अगर आप अपने एनवायरनमेंट की अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे हैं तो आप अपने आसपास बहुत सारी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको आपके एनवायरनमेंट के बारे में पता है, आप जानते हैं कि किस रीज़न से पॉल्यूशन है, तो आप उसको टैकल कर सकते हैं। फ्लड्स आने का रीज़न क्या है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है तो उसको रोकना है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रही है उसको रोकना है, ठीक है। फिर इकोलॉजी जो है उसके बारे में जानना और भी ज़रूरी है, ताकि हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सारी साइकिल्स के बारे में जान पाएँ। फ्लोरा और फौना को कैसे प्रोटेक्ट करना है ये समझ पाएँ। ये बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन आपका चैप्टर रहेगा, उसमें आप ये पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को लेके। आपका नेक्स्ट जो 15th चैप्टर रहेगा उसमें आप यही सीखेंगे कि कैसे क्या बायोडाइवर्सिटी होती है, कैसे उसकी कंजर्वेशन की जाती है। फिर ये साइकिल्स भी आप पढ़ने वाले हैं, और आप इकोलॉजी जब पढ़ते हैं तो आप समझते हैं कि कैसे नेचर में एक बैलेंस बना के रखना है, और किसी भी इकोलॉजिकल डिज़ास्टर को होने से कैसे रोकना है। इकोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर में, हमारी भलाई में, हमारी कृषि में, वाइल्ड लाइफ जो हमारे जंगली जानवर हैं उनको बचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब आप ये पूरा यूनिट ख़त्म करेंगे तो आप समझेंगे कि हाँ, हमने इकोलॉजी में यही सब पढ़ा। अगर किसी ने इकोलॉजी पढ़ा ही नहीं होता तो लोग पॉल्यूशन के बारे में उतना अवेयर नहीं होते, लोगों को ग्लोबल वार्मिंग का उतना पता नहीं होता, ऑक्सीजन के डिप्लीशन और ओजोन का डिप्लीशन अगर हो रहा है तो उस डिप्लीशन के होने से क्या होगा ये भी लोगों को कोई आइडिया नहीं होता, ठीक है। अब इकोलॉजी की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो आता है ऑर्टिकोलॉजी एंड सिनेकोलॉजी। अब ऑर्टिकोलॉजी क्या होता है, देखिए ये याद रखना है, बहुत बार ये पूछा जाता है ऑर्टिकोलॉजी एंड सिनेकोलॉजी। मैं फिर से इकोलॉजी का एक थोड़ा सा आइडिया आपको दे रही हूँ। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल स्पीसीज। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल स्पीसीज और इट्स पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल अ ट्री इन फॉरेस्ट। जब हम बात करते हैं ऑर्टिकोलॉजी की, ऑर्टिकोलॉजी क्या होता है, तो ऑर्टिकोलॉजी में हम एक ही इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं। मोर स्पेसिफिकली हम ये बोल देते हैं कि हम एक ही स्पीसीज के बारे में जान रहे होते हैं कि वो पार्टिकुलर स्पीसीज अपने आसपास जो है अपने एनवायरमेंट में कैसे इंटरेक्ट कर रही है, उसका दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। जैसे अगर एक पूरा जंगल है उसमें हम एक पर्टिकुलर स्पीसीज का पढ़ेंगे कि ये पर्टिकुलर स्पीसीज जो है अपने आसपास कैसे इंटरेक्ट कर रही है, कौन जानवर इसके पास आ रहे हैं, अगर कोई जानवर इसके पास आता है इसको चर रहा है तो कैसे ये चेंज करेगा, कितना इसमें कितने टाइमिंग में अपना जो ये पत्ते गिराता है नहीं गिराता है, तो ये सब चीज़ें अगर हम किसी एक स्पीसीज के बारे में ही पढ़ रहे हैं, उसकी ही रिलेशनशिप के बारे में जान रहे हैं, ठीक है, वो आपस में कैसे रहते हैं इंडिविजुअल और आसपास कैसे रहते हैं, उसको बोला ऑर्टिकोलॉजी। अब सिनेकोलॉजी में क्या होगा, सिनेकोलॉजी में आप एक नहीं बल्कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज को एज अ ग्रुप स्टडी करोगे। अब इसमें आप सिर्फ एक नहीं, दूसरी किसी स्पीसीज को भी कंसीडर करोगे, ठीक है, तीसरी किसी स्पीसीज को भी कंसीडर करोगे, तो एज अ ग्रुप इनको पढ़ोगे कि ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं और एक और स्पीसीज के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं। तो देखिए सिनेकोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स और स्पीसीज विच आर एसोसिएटेड टुगेदर एज अ यूनिट, फॉर एग्जाम्पल अ फॉरेस्ट, ठीक है। अब पहले ऑर्टिकोलॉजी में हमने पूरे जंगल में एक ट्री के बारे में जाना, सिन इकोलॉजी में हम पूरे के पूरे जंगल का स्टडी करेंगे, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, कैसे नेचर में है वो, कैसे वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ का जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है, तो भूलेंगे नहीं भूलेंगे। ऑर्टिकोलॉजी क्या होता है और सिन इकोलॉजी क्या होता है, हॉर्टिकोलॉजी में आप किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में और उसका इंटर रिलेशनशिप पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के साथ। सिन इकोलॉजी में आप पढ़ते हैं पूरे के पूरे, अगर एक पहले आपने ऑर्टिकोलॉजी में एक ट्री को पढ़ा था तो आप अब सिन इकोलॉजी में पूरे फॉरेस्ट वो पढ़ेंगे और उस फॉरेस्ट में जितनी भी कॉम्युनिटीज होंगी उनकी भी स्टडी करेंगे कि कैसे वो कॉम्युनिटीज डेवलप कर रही हैं, ठीक है। फर्दर अगर हम सब डिवीज़न करना चाहेंगे इकोलॉजी का तो हमको डिफरेंट डिफरेंट मिलता है, प्लांट इकोलॉजी आता है, एनिमल इकोलॉजी आता है, टैक्सोनॉमिक एफिनिटीज़ के बेस पे, ठीक है। अब हैबिटेट के बेस पे इकोलॉजी कैसा होता है, एक्वाटिक इकोलॉजी, इकोसिस्टम है ना, मैरीन इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फिर स्ट्रीम इकोसिस्टम,
मिली, आप मेरीन एंड फ्रेश वाटर ही याद रखेंगे। फिर टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी, जो ज़मीन पे रहते हैं उसमें ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, ये सब आता है, ठीक है। चलिए अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। तो एक हमने ऑर्टिकोलॉजी कर दिया, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिन इकोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनी टाइप्स, ठीक है। जैसे डेजर्ट इकोलॉजी तो क्या कहेंगे हम, मतलब एक सीधा इकोलॉजी बोल दिया हमने, ठीक है। या फिर जहाँ भी हम रहते हैं ग्रासलैंड पे, तो हम पूरा ग्रासलैंड नहीं बोलेंगे ना उस जगह पे, जहाँ पे घर भी हैं सब कुछ है, ठीक है। ग्रासलैंड होते हैं, पेड़ नहीं होते ग्रासलैंड्स में जनरली। तो ऑर्टिकोलॉजी और सिनेकोलॉजी, सिनेकोलॉजी में आप पॉपुलेशन भी पढ़ेंगे, कम्युनिटी भी पढ़ेंगे, इकोसिस्टम भी पढ़ेंगे, क्योंकि एज अ ग्रुप हम इनकी स्टडी करते हैं। एक पूरा का पूरा जितना भी सिस्टम हमारे पास है उसकी पूरी स्टडी हम करते हैं सिन इकोलॉजी के अंडर, क्लियर। चलिए अब हमारी पास हमारा मेन चैप्टर नंबर 14 शुरू होता है। चैप्टर नंबर 14 जो कि है इकोसिस्टम, कौन सा है, इकोसिस्टम। सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं इकोसिस्टम की। तो जिस तरह से इकोलॉजी का डेफिनेशन है उसी तरह से इकोसिस्टम का भी डेफिनेशन है, एग्जैक्टली सेम तरह से ही है। देखिए, ऑल ऑर्गेनिजम्स या इंटरेक्शन विद वन अनदर एंड देयर एनवायरमेंट मेक अप एन इकोसिस्टम। देखिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन सारी इंटरेक्शंस को कहते हैं हम, वो सारी इंटरेक्शंस फॉर्म करती हैं इकोसिस्टम। सो व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर, विद अदर ऑर्गेनिज्म एंड विद इट्स एनवायरमेंट, इट फॉर्म्स द इकोसिस्टम। जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, अपने आसपास जो उसके एनवायरमेंट है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तभी हमारे पास क्या फॉर्म होता है, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो फॉर्म होता है। क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए, इट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब ये जो हमारे पास इकोसिस्टम होता है, ये कम्युनिटी होती है, मैम आप ये बोलना चाह रहे हो, एक्चुअली इसमें बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं और वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं सारी कम्युनिटीज, और उसके साथ ही वो अपने एनवायरमेंट पे भी डिपेंडेंट होती हैं। तो इकोसिस्टम को हम बोल देते हैं अ कम्युनिटी ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद एनवायरमेंट, मतलब एक दूसरे पे भी ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट होंगे और किस पे भी, एनवायरमेंट पे भी डिपेंडेंट होंगे। Any unit that include all the organisms in a given area interacting with the physical environment so that a flow of energy leads to clearly defined topic structure, biotic diversity and material cycles within the ecosystem. देखिए क्या होता है कि ecosystem में क्या होता है, आपको बार बार बताया जा रहा है कि organisms जो हैं वो एक दूसरे के साथ interact करते हैं, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ताकि फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो बना रहे, वेल डिफाइंड हमको टॉपिक स्ट्रक्चर्स दिखाई दें। टॉपिक लेवल देखेंगे आप, टॉपिक लेवल में आपको प्रोड्यूसर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर कंज्यूमर्स आते हैं, पहले एक्चुअली कंज्यूमर में सबसे पहले आते हैं हर्बीवोर्स, ठीक है। फिर आते हैं कार्निवोर्स, फिर आपको टॉप कार्निवोर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब होते हैं टॉपिक स्ट्रक्चर्स। तो इकोसिस्टम में क्या होता है, एनी यूनिट दैट इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कोई भी सारे के सारे इकोसिस्टम एक ऐसा यूनिट है जिसमें सारे के सारे ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ताकि फ्लो ऑफ एनर्जी बना रहे, वेल डिफाइंड टॉपिक स्ट्रक्चर्स हमको दिखाई दें, बायोटिक डाइवर्सिटी बनी रहे, मटेरियल साइकिल्स जो है वो चलता रहे, ये सब होता है इकोसिस्टम में। देखिए फिर से पढ़ लीजिए, पॉपुलेशन इन अ कम्युनिटी एंड द एबायोटिक फैक्टर विद विच दे इंटरेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मेरीन एंड टेरिस्ट्रियल। तो इकोसिस्टम क्या होता है, पॉपुलेशंस होती हैं बहुत सारी किसी कम्युनिटीज़ में, या बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिलके इकोसिस्टम बनाती हैं, बट वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, अपने एबायोटिक जो एनवायरमेंट है उसके साथ इंटरेक्ट करती हैं। मेरीन इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये सब हो गया। इकोसिस्टम बार बार क्यों बता रहे हैं मैम आप इकोसिस्टम, ताकि आप समझ जाएँ कि मैं एग्जैक्टली क्या बताना चाहती हूँ। देखिए, an ecological system, a community and its physical environment treated together as a functional system.
एक कम्युनिटी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज, उनका फिजिकल एनवायरनमेंट को एक साथ एज अ फंक्शनल सिस्टम ट्रीट किया जाता है. देखिए ये सोलर रेडिएशंस हैं, यहाँ पे आग लग रही है, कभी कुछ हो रहा है, सॉइल ऑर्गेनिजम्स हैं, मिनरल्स हैं, वाटर हैं, यहाँ जियो केमिकल साइकिल्स चल रही हैं, प्लांट कम्युनिटीज़ हैं, बट ये सारा क्या है, एक इकोसिस्टम है. डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी, लिविंग और नॉन लिविंग, और एक इकोसिस्टम को फॉर्म करती हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है. नेचुरल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम हो जाता है जो नेचुरल कंडीशंस के अंडर ऑपरेट करेगा, वहाँ कोई भी हमारे द्वारा ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस नहीं होंगी, हमने उस इकोसिस्टम को मोर अप्रोप्रिएटली नहीं बनाया है. फर्दर जो नेचुरल इकोसिस्टम है या तो वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो सकता है या फिर एक्वाटिक इकोसिस्टम हो सकता है. क्लियर है? देखिए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है, नेचुरल आपने क्या पढ़ा, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल. जैसे कि दीज आर द मेंटेन्ड आर्टिफिशियली बाय मैन, वेयर बाय एडिशन ऑफ एनर्जी एंड प्लांट मैनिपुलेशन नेचुरल बैलेंस इज डिस्टर्ब रेगुलरली. अब आपको ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स पता है ना, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स पता है कि नहीं है? आप बहुत सारी फसलें उगाते हो, फसलें किसने उगाई, खुद से वो फसलों का इकोसिस्टम बना वहाँ पे? क्या उन फसलों में तुमने खुद से सब कुछ किया? बिल्कुल फसलों में क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली मैन जो है वो सारी फसलें उगाता है. वहाँ पे किस तरह एनर्जी का फ्लो रहेगा, किस तरह से उस एनर्जी फ्लो को मैनिपुलेट किया जाता है, ये सब इंसान देखता है. ठीक है ना, उसका बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, ठीक है, वो सब इंसान खुद रेगुलेट करता है. और ऐसा हमको क्रॉपलैंड इकोसिस्टम हो गया जो हम अपने खेत उगाते हैं. जैसे आपने प्लांट ब्रीडिंग के दौरान पढ़ा था कि इंसान जो है फसलें लगा के वहाँ पे प्रेडेटर और प्रे का जो नंबर है उसको भी रेगुलेट कर सकता है और ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकता है. तो इस तरह की क्रॉपलैंड जहाँ पे सारा बैलेंस सब कुछ इंसान देखता है तो वो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है. बहुत सारी नहरें भी ऐसी होती हैं, झीलें ऐसी होती हैं जो आर्टिफिशियली बनाई जाती हैं. वहाँ पानी कितना रहेगा, कितना नहीं रहेगा, कौन सा जीव कितने अमाउंट में होगा, वो सब इंसान देखता है. तो ऐसे इकोसिस्टम जो इंसान, जहाँ इंसान अपनी मर्जी से मैनिपुलेशंस कर सकता है, उसी को हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं. अदरवाइज नेचुरल इकोसिस्टम में मैन का कोई रोल नहीं होता है. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपके पास क्या आ जाता है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट्स. ये तीन मेन इकोसिस्टम हैं जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंडर आते हैं. एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या आ जाएगा, एक्वेटिक में या तो फ्रेश वाटर आ जाएगा या तो मैरीन वाटर आ जाएगा. फ्रेश वाटर में कौन से हो गए, रनिंग वाटर जो कि देखिए बीच में भी लॉटिक, देखिए फ्रेश वाटर लॉटिक भी हो सकता है, लैंटिक भी हो सकता है. अब लॉटिक वाटर किसको कहते हैं, जो बहता हुआ पानी होता है, ठीक है, नदियों से बह रहा है, धाराओं से बह रहा है, वो क्या है, लॉटिक वाटर. लैंटिक वाटर क्या होता है, जो स्टैंडिंग खड़ा हुआ पानी है, पूल में आपको मिलता है, वो क्या है, स्टैंडिंग वाटर है. ठीक है, लॉटिक और लैंटिक समझ गए. मैरीन इकोलॉजी क्या होता है, जो डीप बॉडीज होते हैं, ओशंस जो होते हैं, उनमें जितने भी हमको लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दिखाई देते हैं, उनकी स्टडी को हम मैरीन इकोलॉजी कहते हैं. तो ये हो गए टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट. ये देखिए टेरेस्ट्रियल हो गए, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, क्रॉप प्लांट्स, ठीक है, डेजर्ट्स, ठीक है, फिर ये फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर, एक्वाटिक इकोसिस्टम हो गया. लेकिन सारे जुड़े होंगे, देखिए ग्रीन प्लांट्स क्या करेंगे, सन से एनर्जी लेंगे ग्रीन प्लांट्स, ठीक है. अब या तो डिकम्पोजर्स उनको खा जाएंगे, ठीक, या हर्बीवोर्स इनको खा लेंगे, या कुछ पैरासाइट्स इनको खा लेंगे, या स्केवेंजर्स ग्रीन प्लांट्स पे अटैक कर देंगे, या सेप्रोफाइट्स अटैक कर देंगे, ठीक है. अब इन हर्बीवोर, पैरासाइट्स, स्केवेंजर्स, सेप्रोफाइट्स को कार्निवोर्स जो है, कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो मांस खाते हैं, है ना, वो खा सकते हैं. अब कार्निवोर्स जो हैं इनका ये क्या हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स, जो क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे सारे मटेरियल को किसमें, न्यूट्रिएंट्स में फाइनली, ठीक है. तो ये सेप्रोफाइट जो हैं, कार्निवोर्स जो हैं, देखिए ये या तो ये डायरेक्टली इन सब का, सेप्रोफाइट्स, स्केवेंजर्स का डायरेक्ट डिकम्पोजिशन भी हो सकता है, ठीक. तो ग्रीन प्लांट्स इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरह से अपना रोल प्ले करेंगे, कार्निवोर्स जो हैं अपना डिफरेंट डिफरेंट तरह से
रोल प्ले करेंगे। देखिए कार्निवोर्स जो हैं वो हर्बीवोर्स को खा लेंगे, लेकिन कार्निवोर्स पैरासाइट्स को नहीं खाएंगे, ठीक है। पैरासाइट इन पे अटैक कर सकता है, स्केवेंजर्स कार्निवोर्स पे अटैक कर सकते हैं, सेप्रोफाइट्स कार्निवोर्स पे अटैक कर सकते हैं, और कुछ ट्रांसफॉर्मर्स जो हैं वो इनको कहाँ चेंज कर देंगे फिर से न्यूट्रिएंट्स में, फिर न्यूट्रिएंट लिए जाएंगे, फिर उनका यूज़ किया जाएगा, फिर वो न्यूट्रिएंट वापस से सॉइल में ही आ जाएंगे। तो ये आप जियोलॉजिकल साइकिल्स में पढ़ेंगे, क्लियर। तो देखिए एक इकोसिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यहीं पे आज हम अपना लेक्चर ख़त्म कर देंगे कि एक इकोसिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। देखिए ये इकोसिस्टम जो है, इकोलॉजी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो एक इकोसिस्टम होता है, याद रखेंगे। इट इज़ अ मेजर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी क्या हो गया, इकोसिस्टम। इट्स स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू इट्स स्पीसीज डाइवर्सिटी, द मोर कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम हैज स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड वाइस वर्सा। मतलब किसी भी इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर जो है कि वो इकोसिस्टम कैसा होगा वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा स्पीसीज की डाइवर्सिटी है। जितनी ज़्यादा स्पीसीज की डाइवर्सिटी होगी उतना ही कॉम्प्लेक्स जो है वो इकोसिस्टम होगा, या बोल सकते हैं जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होगा उतनी ही ज़्यादा स्पीसीज की जो है वो डाइवर्सिटी रहेगी, ठीक है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू मेंटेन इकोसिस्टम डिपेंड ऑन अपॉन इट्स स्ट्रक्चर। द मोर कॉम्प्लेक्स द स्ट्रक्चर द लेसर द एनर्जी इट नीड टू मेंटेन इटसेल्फ। ध्यान से सुनिए, देखिए जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है उतनी ज़्यादा उसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी है, लेकिन कितना अमाउंट उस इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए चाहिए। जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी कम एनर्जी जो है उस इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए लगेगी, और जितना जो अगर सिंपल है इकोसिस्टम, कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है, एनर्जी कम लगेगी। अगर जो है सिंपल इकोसिस्टम है तो उसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स में स्पीसीज जो हैं वो बहुत होंगी और वो इंटरेक्ट करके स्टेबल कर सकती हैं आराम से इकोसिस्टम को, ठीक है। तो जो इकोसिस्टम है पहले वो लेस कॉम्प्लेक्स होता है, बाद में वो मोर कॉम्प्लेक्स स्टेट्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे करके जो है वो बदलाव आता है, ठीक। स्ट्रक्चरल फीचर्स अगर हम देखेंगे तो हमको क्या, प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनमें देखेंगे, बायोटिक स्ट्रक्चर पहले हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स। तो ये प्रोड्यूसर्स के बारे में हम कल दोबारा से यहीं से शुरू करेंगे। आज इकोसिस्टम के बारे में आपने जो जाना है वो आप अपने दिमाग में फीड कर लेंगे कि इकोसिस्टम क्या है, कितने टाइप का हो सकता है, क्या क्या इफेक्ट्स इसके रहते हैं। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।